हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ स्टेट्स बताऊंगा जिनके फाउंडेशन डे कब हैं, क्या हैं, इसके बारे में। क्या होता है कि एग्ज़ाम में ये आते हैं, मोस्टली 98% लड़के इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि यही उन्हें याद नहीं रहता है, और 2% जो बच्चे करते हैं उनमें भी ये गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं आपको आज टिप्स बताऊँगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक डिसलाइक जो आपको जैसा लगे वो कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें याद करना है। चलिए, फर्स्ट पे आते हैं दोस्तों। 1 जनवरी नागालैंड दिवस है। अब इसको याद करने का क्या है, देखिए दोस्तों, क्या होता है जब मनुष्य बना तो ये कपड़े नहीं पहनते थे, तो ये क्या होते थे, नागा होते थे, अर्थात मैन नॉट वेयरिंग क्लॉथ, तो वो नंगा होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, 1 जनवरी क्या है, अपने साल का स्टार्टिंग डे, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, नागालैंड। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सेकंड पे, 21 जनवरी। 21 जनवरी को दोस्तों को कैसे याद रखना है, इसमें क्या है कि ये 2 1, ये देखिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा है, तो हमको इसको याद रखना है 21 MMT। इसमें से देखिए दोस्तों, इसको याद करने का क्या तरीका, हमारे पास 2 हाथ हैं बट हम 1 कलाई में घड़ी यूज करते हैं। घड़ी कौन सी पहनते हैं, HMT का, HMT घड़ी पहनते हैं, 2 हाथों में से किसी 1 कलाई में पहनते हैं, तो हमको इसको इससे रिलेट करना है, HMT को MMT से। दोस्तों यहाँ पे हमको इससे नहीं कंफ्यूज होना है कि मिजोरम क्या है, मिजोरम का मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 6 फरवरी। 6 फरवरी को क्या है, जम्मू कश्मीर दिवस। दोस्तों देखिए, क्या ध्यान दीजिए, ये जो 6 लिखा हुआ है, ये हिंदी वर्ड जो ठंड होते हैं, हिंदी वर्ड में जो ठंड लिखा रहता है उससे ये काफ़ी रिलेट 6 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, अब ये देखिए 6 है और ये ठंड से रिलेट है। ठंड कहाँ होती है दोस्तों, जम्मू में, और फरवरी, 6 फरवरी क्या हो गया था, जम्मू कश्मीर दिवस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, 20 फरवरी। 25 को क्या है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दिवस है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का तरीका ये देखिए, क्या होता है, हम जब मिजोरम लिखते हैं, मिजोरम लिखे ये देखिए दोस्तों, आगे समथिंग होगा, तब ये मिजोरम का जो बीच का है ZO, ये हमको 20 जैसा लग रहा है, ये 20 के आकार में लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 फरवरी और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हमको ये साथ में याद रखना पड़ेगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, अंडमान निकोबार, हमें इंडिया का मैप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इंडिया का जो मैप है वो कुछ इस तरह है, रफली में बना दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे कहीं अपना अंडमान निकोबार है, ये दोस्तों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, अर्थात ये वन क्या हो गए दोस्तों, पैरेलल में है। ठीक, तो ये हो जाएगा 11। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग को मंथ याद रखना है, इसमें तो मंथ याद रखना है, मैं डेट कंफर्म कराते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 11 मार्च, अंडमान निकोबार। अब आते हैं नेक्स्ट, बिहार दिवस। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 22 मार्च बिहार। अब हम 2 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे या कितना करेंगे, ये या कैसे याद रखेगा दोस्तों, आप ये देखिए, अंडमान जो है वो ए से स्टार्ट होता है, ये क्या होता है, 1 पे आता है, बी जो है ये 2 पे आता है, ये क्या है, बिहार का बी, ये हो गया 22 मार्च। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, 30 मार्च राजस्थान दिवस। दोस्तों एक कहावत है, 30 मार खान, तो 30 मार खान न बनो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 30 मार, ये क्या दोस्तों, 30 M, ये मार से क्या हो गया, मार्च, र से राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये हो गया राजस्थान का 30 मार। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना उड़ीसा। क्या दोस्तों, यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट कई बार से चुन के आ रही है, पर वहाँ का विकास नहीं कुछ किया है, ये आज भी वो सबसे पिछड़ा इलाका है इंडिया का, तो जो भी है, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को
वो फुल फुल बनाया गया है। तो 1 अप्रैल को हम जानते हैं दोस्तों कौन सा डे होता है, फुल डे होता है। तो ये वहाँ के लोगों को क्या कह रहे हैं, फुल बना रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, उड़ीसा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 14th अप्रैल। 14th अप्रैल को हम कैसे याद रखते हैं, ये देखिए 14th अप्रैल को है तमिलनाडु दिवस। ये 14 है, 14 में हम एक लाइन यहाँ पे खींच दिए, वन के ऊपर एक दोस्तों हम इसको मिला दिए। तो ये क्या हो गया, TA, तमिलनाडु से रिलेट हो गया, ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इसका हो गया तमिलनाडु। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश का ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर से अब आते हैं 1 मई पे। 1 मई क्या है दोस्तों, 1 मई को हम जानते हैं कि मजदूर दिवस है। 1 मई जो है वो मजदूर दिवस है। सबसे ज़्यादा मजदूरी करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में जाते हैं। तो हमको इससे ये याद हो जाएगा कि 1 मई को क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस है। यदि दोस्तों आपको ये डेट नहीं याद होगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं उसमें हर डे का बताऊंगा कि कौन से डे को क्या क्या पड़ता है, उसका याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 16 मई, सिक्किम दिवस। अब देखिए दोस्तों ये सिक्किम का क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। सिक्किम जो है, अब इसमें देखिए 16 का क्या हो जाएगा, SI से 16, M से मई। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 16 मई, किसका हो जाएगा, सिक्किम का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गोवा पे। गोवा क्या है, गोवा के लिए हम गोवा लिख लेते हैं दोस्तों, गोवा। अब देखिए गोवा में क्या करते हैं, गोवा का क्या है फाउंडेशन डे, 19 दिसंबर। तो हम इसको एक लाइन जो है ये है, इसको खींचे एक लाइन नीचे और इसको बढ़ा दिए और एक एक लाइन हम ऊपर कर दिए। एक ये हो गया दोस्तों 19 दिसंबर, ये जो दोस्तों बना ये हो गया 19 दिसंबर। 19 दिसंबर जो है वो गोवा का हो गया। और दोस्तों तेलंगाना का मैं बता दूं, तेलंगाना का 2 जून है। तो इसमें लिखा हुआ नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ, तेलंगाना जो है वो 2 जून है। ठीक दोस्तों, अब जो स्टेट बसते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ये दोस्तों 1 नवंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसके इसके लिए देखिए आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो क्या होगा, एक साथ में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये एक एक ऐसी एरिया उस मैप में दिखेगा जो एक दूसरे से टच है। जैसे उत्तर प्रदेश है वो हरियाणा को टच करता है, हरियाणा पंजाब को टच करता है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को टच करता है। तो एक पूरी एक एरिया बन जाती है जो उनको टच करते हैं। तो उनको आपको कैसे याद रखना है, ये सब जो एरिया आप एक बार मैप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वो 1 नवंबर है। ऐसे ही नीचे में क्या है दोस्तों, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ये जो 3 हैं इन्हीं के साथ हैं, तो ये भी 1 नवंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को, आपको जैसा लगा वीडियो आप बताइए नीचे कमेंट्स में, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है और उसके याद करने के तरीके। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गुड बाय।